माय नेम इज कविराज और मेरे फ्रेंड्स दे कॉल मी ऑर्बे। ऑर्बे क्या कर रहा है, ऑर्बे कहाँ जा रहा है, ऑर्बे पैसे कब लौटाएगा, ऑर्बे भाग कर रहा है। आई एम अ कॉमिक, आई एम अ सिंगल कॉमिक, विच मीन्स माई टिंडर बायो इज फनी। आई एम अ हम्बल कॉमिक विच मीन्स आई एम नॉट सक्सेसफुल। आई एम अ पुअर कॉमिक विच मीन्स आई एम अ कॉमिक। I'm a talented comic, which means you won't see me in Comicstan. I'm a male comic, which means I'm actually funny. No. I'm a feminist. I'm a feminist comic, which means when a joke doesn't work, I blame it on men. Anyway, कोई बात नहीं। दोस्तों, I'm a writer and occasionally a comedian too. तो राइटर होना तो ठीक है, लेकिन कॉमेडियन होना काफी जाहिल बात है। कॉमेडियन होने की सबसे जाहिल बात यह है कि कोई भी चूतिया साबित कर सकता है कि तुम कॉमेडियन नहीं हो। वो हंसेगा ही नहीं तुम्हारे जोक पे, उल्टा पूछेगा और जोक था ये? हाँ भाई, असफल था लेकिन जोक था। अपने देश में पता नहीं क्या गांड मारो कल्चर है कि चाय खराब बन जाए तो लोग ये नहीं कहते चाय खराब बन गई, सीधे चाय थी ये, तुम्हारे इंटेंट को ही क्वेश्चन कर देते हैं। बेटा फेल हो जाए एग्जाम में तो बाप माँ को क्वेश्चन कर देता, बेटा है ये? भाई चूतिया है लेकिन बेटा है। एक तो आजकल लोग इतने हरामी हो गए कि जोक सुना तो हंसते बाद में पहले उसे एनालाइज करते हैं कि मेरे विचारों से मैच कर रहा है या नहीं, मेरी फेसबुक इमेज के साथ कंपैटिबल है कि नहीं, और कहीं तो उसके बाद भी नहीं हंसते, बस बता देते हैं यार दैट इज फनी, दैट इज एक्चुअली वेरी फनी। अरे तो हंस भैंचो, रिजल्ट क्या सुना रहे? मुझे मालूम है फनी है, मैंने नौकरी छोड़ के लिखा है। ऐसा कोई डांस करे तो तुम ताली नहीं बजाओ, उसे बताने लगो यार दैट इज डांस, दैट इज एक्चुअली वेरी डांस। एक तो लोग आजकल इतने इंटेलेक्चुअल हो गए, कुछ भी बोलो किसी ना किसी को बुरा लग ही जाता है। रिलीजन के बारे में बोलो स्पिरिचुअल आदमी को बुरा लग जाता है, वड़ा पाव के बारे में बोलो मराठियों को बुरा लग जाता है, अप्रेजल के बारे में बोलो बॉस को बुरा लग जाता है, परफॉर्मेंस के बारे में बोलो एम्प्लॉय को बुरा लग जाता है, इक्वालिटी के बारे में बात करो तो आदमियों को बुरा लग जाता है, एक्चुअल इक्वालिटी के बारे में बात करो औरतों को बुरा लग जाता है। किसी ना किसी को बुरा लग ही रहा है, स्पिरिचुअल आदमी को बुरा लग जाता है। स्पिरिचुअल आदमी को कैसे बुरा लग सकता है यार, तेरा जॉब है बुरा ना मानना। स्पिरिचुअलिटी एक तो ऐसा बिजनेस बन गया है, पहले किसी बाबा के आश्रम जाओ तो वहां ऐसी अच्छी अच्छी ज्ञान वाली बातें लिखी रहती थी, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, वसुधैव कुटुंबकम, लालच बुरी बलाए। अब जाओ तो लिखा रहता पेटीएम एक्सेप्टेड एयर। गुरु भी चेंज हो गए, पहले के गुरु सन्यासी होते थे, आजकल यूट्यूबर होते हैं। पहले नंगे घूमते थे, आजकल सबसे चमकदार कपड़ा गुरु ही पहन के बैठा होता है। हबीब से दाढ़ी ट्रिम करवा के बताता है संसार मोमाया है एंड वोट फॉर बीजेपी और कांग्रेस, डिपेंडिंग के कौन से जोन में है। आई फॉलो सदगुरु फॉर फन। सदगुरु सही आदमी लगता है मुझे, सदगुरु मल्टी टैलेंटेड है, जीवन का ज्ञान भी बांटता है और साबुन भी बेचता है, सब मिलता है उसकी ऑनलाइन दुकान पे, स्पिरिचुअल कुर्ता, स्पिरिचुअल बनियान, स्पिरिचुअल साबुन, स्पिरिचुअल नेकलेस, स्पिरिचुअल कॉन्डोम भी बनाएगा एक दिन, निर्वाणा प्लस हैप्पी एंडिंग। नहीं, मुझे उसकी ऑनलाइन दुकान से इतना प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस ये लगता है स्पिरिचुअलिटी सिखाता है तो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस भी किया करे, वो खुद ही गुस्सा हो जाता है। उसके वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, उसके टाइटल कैसे है, सदगुरु वर्सेज आई एम स्टूडेंट, सदगुरु वर्सेज लॉ स्टूडेंट। मुझे लगा किसी बॉक्सर का पेज खुल गया। उसके थंबनेल भी ऐसे स्ट्रीट फाइटर जैसे, एक तरफ सदगुरु दूसरी तरफ जिसका भी दिन खराब हो। बीच में वर्सेज, उसके ऊपर टैरेंटिनो जैसे फॉन्ट में लिखा हुआ है, सदगुरु रोस्टिंग अ गर्ल लाइक अ बॉस, सदगुरु शट्स अप अ लेडी हु ट्राइज टू आर्ग्यू, स्पिरिचुअल गुरु है। सदगुरु स्पिरिचुअलिटी की बात करता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सलमान खान जब बीइंग ह्यूमन की बात करता है। सलमान खान बीइंग ह्यूमन की बात करता है, बीइंग ह्यूमन को प्रमोट करता है, फिर कार चला देता है ह्यूमन पे, बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट पहन के, बीइंग ह्यूमन बाई किलिंग अदर ह्यूमंस। कुछ भी हो रहा है, सदगुरु स्पिरिचुअलिटी सिखा रहा है, सलमान खान ह्यूमन होना बता रहा है, मतलब कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए ना सेल्समैन और प्रोडक्ट में। ऐसे अनुपम खेर आके बताने लगे हाउ टू ग्रो ब्यूटीफुल हेयर, सन्नी देओल डांस ट्यूटोरियल लेने लगे, अर्णव गोस्वामी किताब लिख दे आर्ट ऑफ लिसनिंग, केजरीवाल हाउ टू ड्रेस वेल, सोनिया गांधी हाउ टू स्पीक हिंदी, राहुल गांधी हाउ टू स्पीक,
मनमोहन सिंह हाउ टू विन अ रैप बैटल, मोदी काम की बात। और आडवाणी हाउ टू विन फ्रेंड्स बैक एंड इन्फ्लुएंस पीपल अगेन। एक तो देखोगे जितने भी गुरु हैं सब अंग्रेजी में बात करते हैं, क्योंकि एक डॉलर बराबर 76 रुपए, तो सब एक्सेंट में बात करते हैं। इसके चक्कर में राम का रामा हो जाता है, लॉर्ड रामा, राम का रामा, योग का योगा, शिव का शिवा। मुझे बस यही लगता है कि कोई स्कूल में जाके हिंदी नहीं पढ़ाने लगे। गुरुजी ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? पेड़ा। और गुरुजी मथुरा के ट्री को? मथुरा का पेड़ा। मुझे मालूम है डम जोक है, लेकिन मेरा फेवरेट है। देखो सारे काम ऐसे नहीं करने चाहिए लाइफ में जिस पे प्राउड हो, कोई कोई ऐसा मस्ती के लिए भी। तो ऐसे ही है, मतलब अंग्रेजों को फंडे दिए रहते हैं अंग्रेजी में, कुछ भी अंग्रेजी में बोल रहे हैं। वंस यू रियलाइज ट्रू पोटेंशियल ऑफ अ ह्यूमन माइंड, यू विल फील कनेक्टेड विद द एंटायर कॉस्मोस। अरे भाई तू कनेक्टेड है कॉस्मोस से तो भी तो साबुन ही बेच रहा है। एक और ऐसे गुरु है नित्यानंद, नित्यानंद देखा होगा आप लोगों ने, ई नॉट इक्वल टू एम सी, इट्स एम सी। तो उसका मैं वीडियो देख रहा था, इंटरेस्टिंग वीडियो। तो उसमें उसके भक्त बैठे हुए सामने और वो अपने स्पिरिचुअल डाउट पूछ रहे हैं उससे, और वो पढ़ के उसके आंसर दे रहा है। तो तुम्हें लगेगा ऐसे स्पिरिचुअल डाउट्स आएंगे कि जीवन का मतलब क्या, फोकस कैसे करें। नहीं, नित्यानंद पढ़ता है, गुरुजी हाउ कैन वी वॉक ऑन वाटर, ये स्पिरिचुअल डाउट आया किसी को, बाकी सॉर्टेड है उसकी लाइफ में सब। तो मुझे लगा नित्यानंद गुस्सा हो जाएगा, भक्त साले क्या पूछ रहा है। लेकिन नहीं, वो पढ़ता गुरुजी हाउ कैन वी वॉक ऑन वाटर, इट्स इजी, इट्स वेरी सिंपल, वी डू इट ऑल द टाइम इन माय आश्रम, अ वेरी बेसिक उदान क्रिया, एंड यू विल बी वॉकिंग ऑन द वाटर, वॉकिंग ऑन द एयर, यू विल बी वॉकिंग आउटसाइड योर बॉडी एनी टाइम यू लाइक, यू नो व्हाई, बिकॉज इट्स इजी। चला गया वो हवाई जहाज में बैठ के। नित्यानंद परम हंस शिवम। एक तो देखो कि नाम सबके ऐसे बड़े बड़े, किसी का नाम नॉर्मल नहीं मिलेगा। जो भगवान है जिनकी पूजा होती है उनके नाम एकदम नॉर्मल है, विष्णु, हरि, शिव, राम, दुर्गा, पार्वती। लेकिन गुरुओं के नाम, महामहिम, प्रचंड, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, भोलानंद भटूरे वाले। कोई नॉर्मल नाम का गुरु नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा ऐसा। गुरु दीपक, गुरु बंटी, गुरु बब्बन। सदगुरु का भी असली नाम जग्गी है, लेकिन जग्गी तो कमाल। तो इसलिए मतलब सबने ऐसा इंप्रेसिव नाम रख रखे, सबने अपने स्टेज नेम ले रखे। ऐसी जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में था तो मेरे को, विच इज लाइक 50 years back now, तो हमारे कॉलेज में आर्ट ऑफ लिविंग आया, तो मेरा दोस्त आके बोला मेरे को, श्री श्री रविशंकर आए हैं। मैंने कहा तू कब से अकलाने लगा। कह रहे नहीं, नाम में दो बार श्री श्री, और साला दो श्री लेके। श्री श्री रविशंकर, मुझे डर लगता है जैसे पद्म श्री ना मिल जाए। पद्म श्री श्री श्री। पता ही नहीं चल रहा गुरु जी है या प्ले स्टेशन। PS3 रविशंकर। ऐसे मेरा एक दोस्त है, उसने भी एक स्पिरिचुअल गुरु पाल लिया जो पैसे लेके निर्वाणा देता है। मेरा दोस्त फिर भी उसी की तारीफ करता रहेगा, सारे टाइम उसी की तारीफ करता रहेगा, गुरु जी ने मात्र 25,000 में शरण में ले लिया। मैंने कहा 30 दे देता, मुंह में भी ले लेता। निर्वाणा प्लस हैप्पी एंडिंग पार्ट 2, दैट्स माय टाइम गाइस, थैंक्स। हाय दोस्तों, यहां तक आ ही गए हो तो मतलब वीडियो देख लिया होगा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। इस वीडियो को लाइक करना और इसे अपने दोस्तों के साथ या जिसके भी साथ आपको शेयर करना पसंद है उसके साथ शेयर करना ना भूलें। नीचे एक बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरा पिछला वीडियो देखना है जो कि ऑलरेडी काफी लोग देख चुके हैं और उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया है, बट फिर भी उसे रिपीट करने के लिए, जिन्होंने नहीं देखा उसे दोबारा देखने के लिए, यहाँ पे एक थंबनेल आ रहा होगा, ऐसा मुझे प्रॉमिस किया है एडिटर ने कि यहाँ पे आना चाहिए, तो आई होप कि आ रहा हूँ। तो यस, प्लीज देखें। और इंस्टाग्राम पे प्लीज स्टे इन टच विद मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज मैं शोज करने वाला हूँ, तो उन शोज की जो अपडेट्स हैं मैं इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ, तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स रीड कवि। एंड रेस्ट इज ओके, अपनी सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।